चिराग पासवान जी धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपनी बातों को रखने का मौका दिया। सब भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बीच हुए पूना पैक्ट का ही परिणाम है कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाले लोगों के लिए आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है। सर, आरक्षण किसी को मिली हुई खैरात या दया नहीं है सर, ये एक संवैधानिक अधिकार है। जिस तरीके से और आज ये चर्चा इस सदन में करने का कारण इसीलिए बना कि जिस तरीके से 7 फरवरी 2020 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ये फाइंडिंग्स दी गई और उसमें ये कहा गया कि आरक्षण सरकारी नौकरियों में हो या प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात हो, ये मौलिक अधिकार नहीं है। सर, लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तरीके से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए इस दिशा निर्देश को खारिज करती है, उसके साथ हम लोग सहमत नहीं है। और सर, इसी में मैं आग्रह करूंगा हमारी केंद्र सरकार से कि वो इस विषय पे हस्तक्षेप करे और सर आरक्षण से जुड़े हुए जितने भी कानून है उसको वंस एंड फॉर ऑल 9वीं सूची में डालने का काम करें, ताकि समय समय पर रह रहकर जो आरक्षण के ऊपर लोग न्यायालय जाकर उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाने का काम करते हैं, ताकि वंस एंड फॉर ऑल ये डिबेट ही समाप्त हो जाए। सर, मंडल कमीशन, सर मुझे 2 मिनट और चाहिए सर। आप मुझसे मिले थे, आपने कहा था कि मैं विषय उठाना चाहता हूं, आप मुझसे मिले थे, आप मैं विषय उठाना चाहते हैं? नो, गलत, नो। अर्जुन जी, हाँ, चिराग पासवान जी बोलिए, हो गया इनका चिराग जी का। सर, मैं इसीलिए सर मैं आग्रह करता हूँ सरकार से कि एक तो इसको 9वीं सूची में डाला जाए, ताकि समय समय पर सर आरक्षण को लेकर जो लोग न्यायालय चले जाते हैं वो वंस एंड फॉर ऑल वो डिबेट ही समाप्त हो जाए। सर, मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो वो भी कहीं ना कहीं आरक्षण की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए वो लागू किया गया, पर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 2 नवम्बर 2 मिनट सर, आर्टिकल 16 सब आर्टिकल 4 इट्स क्लियरली स्पीक्स अबाउट द रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब and also OBC. This Article 16, Sub-Article 4 is a part of a fundamental right under Part 3 of the Constitution. Therefore, the contention which was made before the Supreme Court by the Council on behalf of the Uttarakhand state of Uttarakhand, that contention is not correct and Uttarakhand is being run by the Bharatiya Janata Party government. Therefore, it is shown and approved shows that is... अर्जुन जी, अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं कि 2012 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी, उसने डिसीजन लिया और उसके साथ पीआईएल आई। भारत सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है, भारत सरकार आरक्षण के प्रति कटिबद्ध है जी। और हमारे पासवान जी, इनको चिराग पासवान जी को पूरा तो करने दीजिए सर, इनका स्टेटमेंट पूरा कर दीजिए। ये राजा जी बोलना चाहते हैं, लेकिन एक बात सुनिए माननीय सदस्यगण, आप सुनिए। नहीं नहीं, पहले बैठिए, फिर बैठिए। एक मिनट माननीय सदस्यगण, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से जब ये निर्णय हो गया कि हम इस पर वक्तव्य देंगे, तो मेरा ये कहना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, फिर भी सरकार कह रही है कि हम विषय पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करेंगे। निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट का है, सरकार का निर्णय तो नहीं है ना। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, भारत सरकार का कुछ भी लेना देना उसमें नहीं है। और 2010 में इन्होंने निर्णय लिया था, उत्तराखंड सरकार, 2010 में किसका सरकार था उत्तराखंड में? कांग्रेस के सरकार था, कांग्रेस के निर्णय किया, उसके ऊपर हो गया। और इसके कारण अभी भारत सरकार को उनमें
सर 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 ऑनरेबल स्पीकर सर एक चिराग जी को पूरी बात कर लें दो, चिराग जी को पूरी बात कर लें दो, मैं दो मिनट का सर समय बस और चाहूंगा। सर ये जो बार बार सर इस तरीके की बातें कही जाती हैं कि ये सरकार आरक्षण विरोधी है, ये सरकार दलित विरोधी है, सर मैं चाहूंगा कि थोड़ी गंभीरता से इन बातों का जिक्र किया जाए, क्योंकि इन बातों का प्रभाव देश भर की जनता पे पड़ता है। सर एक बड़ी आबादी है जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आती है, सर आप उनकी भावनाओं को आप ठेस पहुंचाते हैं। सर इसी सरकार ने सर अगर आरक्षण विरोधी अगर ये हमारी एनडीए की सरकार होती तो आरक्षण को जो मजबूत करने का काम किया गया, ऊंची जाति के जो गरीब वर्ग के लोगों को भी आरक्षण देने का काम किया गया, तो ये आरक्षण प्रणाली को मजबूत करने का काम किया गया। हमारी सरकार ने सर ये अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट उसको जब दंतहीन करने का जब प्रयास किया गया तो हमारी सरकार और लोक जनशक्ति पार्टी सबसे पहली पार्टी थी जिसमें हम लोगों ने पुनर्विचार याचिका डाली। सरकार ने हाउस का समय एक्सटेंड करके दो दिन तीन दिन के भीतर उस कानून को लोकसभा और राज्यसभा से भी पास करवाया। तो सर हमारी सरकार पूरी तरीके से कटिबद्ध है आरक्षण को लेकर, और आरक्षण को समाप्त करना तो दूर की बात है, उसमें चर्चा की भी गुंजाइश नहीं हो सकती है। और राजा जी सर, मिस्टर स्पीकर सर, सर मिस्टर स्पीकर सर, सर मिस्टर स्पीकर सर, लेट द ट्रेजरी बेंचेस मेंबर्स ऑफ द ट्रेजरी बेंचेस मस्ट हैव पैशन।